अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दरअसल मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ और इसी वीडियो के साथ आपको वो रिव्यू भी मिल जाएगी रशिया और यूक्रेन के इशू के ऊपर, और इसका मैं छोटा सा एक खुलासा लूंगा। वो वीडियो हमने सिर्फ यूक्रेन और रशिया के प्रॉब्लम के ऊपर बनाई है, इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, रशिया और यूक्रेन का जो इशू है उस पर आपको वीडियो में डिटेल तो मिल जाएगी, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रशिया को यूक्रेन के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने। अगर नेटो का हिस्सा अगर यूक्रेन बनता है तो डेफिनेटली रशिया को एक बॉर्डर लैंड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अगर आप अभी समझ ही रहे होंगे सारी चीज़ें, क्योंकि जापान और जितने भी ममालिक हैं जो रशिया के साथ टच कर रहे हैं, जो साउथ यूनियन के साथ जो अलग हुए थे, वो सारे ममालिक जो हैं, वो बहुत से जो 8 ममालिक हैं वो जो है वो नेटो का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें एक यूक्रेन रह गया था। यूक्रेन का हिस्सा एक बड़ा है और अगर वो भी नेटो का हिस्सा बन जाता तो रशिया को एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर थी और आपने अफगानिस्तान और बहुत सी जंगों का सूरत हाल आप देख चुके हैं कि अमेरिका की क्या इन्वॉल्वमेंट थी और रशिया को पीछे करने के लिए अभी भी ये जंग चल रही है। अच्छा, अगर हम चाइना और रशिया अमेरिका का मामला देखें तो वो दोनों के अंदर इकोनॉमिक जंग चल रही है, मगर यहाँ पे एक क्लैश मतलब यानी कि फाइट होती हुई नजर आ रही है। अगर ये फाइट होती है तो ये नजर आता है कि ये जंग जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने की जाएगी। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर ये जंग होती है तो डेफिनेटली फ्यूचर्स मार्केट है जो हम जिसमें ट्रेड्स करते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, ये लोग ये डिसाइड कर लेंगे अगर अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व होता है, डेफिनेटली नेटो इन्वॉल्व होता है, तो डेफिनेटली रशिया को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। अगर रशिया पाबंदी का सामना करता है तो डेफिनेटली ऑयल उसकी जो 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 वो एक्सपोर्ट करता है वो ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी और डेफिनेटली मार्केट में ऑयल की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। अभी इस कंडीशन के अंदर हम ऑयल को 94-95 देख चुके हैं। ये अगर मैं देखूं तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक जंग का गैप था जो 82 से लेकर 95 तक एक जंप का ही है, अदरवाइज अगर जंग होती है तो 110-120 डॉलर जो है वो स्पाइक लगेगी ऑयल की। डेफिनेटली वहां पे स्टे नहीं करेगा मगर स्पाइक वहां तक लग सकती है। अब कल की न्यूज़ों के अंदर ये देखा जाएगा तो कल न्यूज़ ये आई कि रशिया ने एक पीछे एग्रीमेंट चल रहा है, क्योंकि जाहिर बात है ये जंग कोई आसान नहीं होगी। ये अगर जंग हो गई तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएगी, क्योंकि कुछ ममालिक रशिया के साथ होंगे, कुछ ममालिक जो होंगे वो यूएस और यूरोपियन के साथ होंगे। दूसरे अगर इसको दूसरे सूरत हाल में देखेंगे तो यूरोपियन भी नहीं चाह रहे कि जंग हो, क्योंकि अगर जंग हुई तो उनको गैस शॉर्टेज हो जाएगी और वहाँ पर महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह पूरी दुनिया को इस महंगाई का सामना करना पड़ेगा अगर रशिया का उसके साथ क्लैश होता है। अब बात करते हैं गोल्ड, ऑयल की तो हम आपको बता चुके हैं, बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड का क्या मसला है? गोल्ड के अंदर देखें अभी 300 से 400 सिनेरियो पेश आ रहे हैं। पहला तो ये है कि यूएस में इन्फ्लेशन है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट की वजह से भी डेफिनेटली मार्केट के अंदर गोल्ड जो है अपसाइड की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो गोल्ड के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि उस प्रेशर को तो हम देख सकते हैं, बट अदरवाइज अगर जंग वाली कंडीशन होती तो फिर गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। मगर ये सिनेरियो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, यहाँ पर शॉर्ट सेलर और बायर दोनों ही कंफ्यूज है कि मार्केट के अंदर करना क्या चाहिए। इस टाइम गोल्ड को अगर हम देखते हैं, अगर खुदा ना खासा जंग वाली कंडीशन होती है तो गोल्ड भी 1920-1980 की तरफ जा सकता है, और अदरवाइज जंग के नॉर्मल जैसे कल आपने न्यूज देखी और जैसी न्यूज आई मार्केट के अंदर गोल्ड ने जो है वो अपना लो दिखाया 1848 तक का। अगर ये बात अगर ये अभी थोड़ी देर पहले एक और न्यूज आई है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से कि यूएस रशिया जो है वो हमें कंफर्म नहीं है कि उसकी फोर्स गई भी है या नहीं, इसकी वजह से मार्केट के अंदर दोबारा जो है वो अप ट्रेंड की तरफ देखा गया, नैसडेक दोबारा डाउन साइड की तरफ गया और गोल्ड ने दोबारा स्पाइक किया। ऑयल को तो हम सुबह से देख रहे हैं 95 की तरफ। तो इन चीजों के अंदर जब भी कंडीशन पैदा होती है मार्केट के अंदर तो आप लोगों ने हमेशा साइडलाइन रहना है। अगर ट्रेड करें तो छोटी ट्रेड करें, बड़े अकाउंट है तो उस बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होकर ट्रेड करें। अगर अदरवाइज अगर हम देखें तो ऑयल 100 से ज्यादा ऊपर नहीं है मगर जंग वाली कंडीशन में 110-120 स्पाइक कर सकता है। तो इन चीजों के अंदर ये वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको ये समझाना था कि आपने अपने ट्रेड्स को कम रखना है और जब तक ये सिनेरियो मामला तय नहीं हो जाते आप मार्केट के अंदर फुल टाइम एंटर ना हो। अस्सलाम वालेकुम।